नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल का अचार। कटहल की सब्जी की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो चलिए सीधे सामग्री पर नजर डाल लेते हैं। हमने यहाँ लिया है कटहल के टुकड़े 250 ग्राम, सरसों का तेल 1 कटोरी, पीली सरसों के दाने आधा छोटा चम्मच, सौंफ दरदरी पिसी हुई 1 चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, जायफल 1 महीन सा टुकड़ा, ये मेथी दाना है, इसका पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच, कलौंजी हमने ली है 1 छोटा चम्मच, सादा नमक या आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच ले लिया है, ये मेथी दाना पाउडर है जो हम इसमें डालेंगे, राई पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, देगी मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग को मैं तेल गर्म करके ठंडा होने पर डालूंगी, 2 चुटकी हींग मैंने ली है। ये तो हो गई सामग्री, अब आते हैं बनाने की विधि पर। सबसे पहले हम कटहल को साफ कर लेते हैं। कटहल में जो ये बीज है उनके नीचे एक पतला छिलका होता है, उसे निकाल लेते हैं। इस प्रकार कटहल हमारा साफ हो गया है, ये छिलके हमने अलग कर लिए हैं। अब हम कटहल को धो लेते हैं। ये कटहल के टुकड़े भी हमने धो लिए हैं। अब हम एक पैन लेते हैं, उसे चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। अब गैस ऑन कर लेते हैं। हम इसमें 1 से 1.5 गिलास तक पानी डाल लेते हैं और पैन को ऊपर से ढककर उसे उबलने देते हैं। दूसरे चूल्हे पर हमने तेल गर्म कर लिया है, ये अब थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हींग डाल देते हैं। अब पैन को खोलकर देखते हैं, पानी में उबाल आ गया है। अब हम एक छलनी को, जिससे हम सूप छानते हैं, इस पैन पर डाल लेंगे और अब इन टुकड़ों को भी छलनी में डालकर इसे ढक्कन से ढक देते हैं और स्टीम होने देते हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं, कटहल तो सॉफ्ट हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। अब इन टुकड़ों को एक थाली में मोटा सूती कपड़ा बिछाकर, जो मैंने रखा है, उस पर सूखने के लिए डाल देते हैं। इसे घंटा भर धूप में सुखा लेंगे। यदि धूप नहीं है तो 2 घंटे तक पंखे के नीचे सुखा लेंगे। अब हम एक बोल में मसाले इकट्ठे कर लेते हैं। ये सौंफ डाल लेते हैं, अब ये लाल मिर्च, ये राई पाउडर, नमक, मेथी दाना पाउडर भी डाल देते हैं, ज्वाइन, जायफल और सरसों को भूनकर हमने दरदरा पीस लिया था उसे भी इसमें मिला देते हैं, हल्दी पाउडर, ये काला नमक और कलौंजी भी डाल देंगे, देगी मिर्च पाउडर डालकर इसे चम्मच से मिक्स कर लेते हैं और कटहल के टुकड़े डालकर अब हींग वाला तेल भी आधा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब एक पैन को चूल्हे पर चढ़ाकर बचा हुआ तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब मसाला चढ़े कटहल के टुकड़ों को इसमें डालकर हिलाएंगे। यदि थोड़ा बहुत मॉइस्चर टुकड़ों में रह गया होगा वह भी निकल जाएगा। ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस अब गैस बंद कर देते हैं, चूल्हे से इसे उतार कर ठंडा होने देते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, इन टुकड़ों को एक कांच के जार में डाल लेते हैं। ये जो मसाला पैन में बच गया है इसमें आधी कटोरी सिरका डालकर थोड़ा उबाल लेते हैं। अब इसे ठंडा होने पर अब जार में डाल देंगे। सिरका अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है और इससे अचार में टेस्ट भी अच्छा आता है। अब ढक्कन लगाकर जार को हिलाकर मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, अचार तो हमने डाल लिया लेकिन खाने लायक ये 4-5 दिन में तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कटहल के अचार की रेसिपी। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी आने वाली रेसिपीज को पहले से जानने के लिए सब्सक्राइब, यदि अब तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक कर दीजिए। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कुछ और नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।